इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे हम ये जान सकें कि सामने वाला इंसान दिल में हमारे लिए नफरत रखता है या मोहब्बत? तो इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने हर चीज वाजह करके रखी है, लेकिन इंसान अपने आप में खोया रहता है, तभी वो इंसान के दिल की बात नहीं समझ पाता। जब भी किसी इंसान से मुलाकात करो तो घर से निकलने से पहले रात की बची हुई रोटी के साथ थोड़ा सा नमक खाओ और 3 मरतबा सूरह नसर पढ़ो, फिर जाओ और जब उससे मुलाकात करो तो अपने अल्लाह से ये दुआ मांग लो कि ऐ अल्लाह, इसका असल रूप मुझे दिखा दे। बात करते करते तुम खुद अपनी कोई बात करो और उससे पूछो कि मेरा वजूद, मेरा मिजाज, मेरी शख्सियत तुम्हें कैसी लगती है। अगर सामने वाले इंसान की जबान उसका साथ ना दे तो समझ जाओ ये इंसान दिल और जबान में तजाद रखता है, लेकिन अगर उनकी आंखों से उनका मुतमईन होना वाजे हो जाए तो समझ जाओ ये इंसान दिल में तुम्हारे लिए मुनाफिकत नहीं रखता।